नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास में बात करते हैं हम लोग COVID-19 और मानव शरीर। तो इसमें देखेंगे कि आखिर ये किस तरह से हमारे शरीर के विभिन्न भागों पर प्रभाव इसका COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस का किस तरह से प्रभाव पड़ता है, और भी इसके पक्ष हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोग याद रखिए कि एक पौष्टिक आहार यानी कि अच्छे से खाना खाइए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, यानी कि मेरा मतलब है प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखिए, सभी रोगों से लड़ने योग्य। आप ही सोचिए, अगर हमारी सेना बॉर्डर पर मजबूत ना खड़ी रहे तो कोई भी देश हमला कर देगा, तो हमारी सेना मजबूत है तो वो किसी भी से लड़ने के लिए तैयार रहती है, निपटने के लिए। तो इसी तरह अपने प्रतिरोधक क्षमता को अच्छे से बनाए रखिए, ठीक है, वो आएगी आपकी आप जब स्वस्थ होंगे। जबकि बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाइयां COVID-19 के कुछ सबसे सामान्य लक्षण है, परंतु यह बीमारी शरीर के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित कर सकती है। जैसा कि आपको पता होगा कि बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाइयां ये कोरोना वायरस के कुछ सामान्य लक्षण है। कोरोना वायरस जानवरों की कई प्रजातियों जैसे ऊंट और चमगादड़ में उपस्थित है। वायरस के उत्परिवर्तन मनुष्यों को भी संक्रमित किया है। मनुष्यों में होने वाली बीमारियों के पिछले प्रकोप गंभीर रूप से गंभीर हैं। वे आमतौर पर तेजी से फैलते हैं, कुछ लोगों में मृत्यु का कारण बन सकते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम SARS जो 2002 में महामारी का कारण बना था। आपको याद होगा 2002 में आपका SARS नाम से एक सिंड्रोम आया हुआ था बीमारी। परिणाम स्वरूप लगभग 8,439 मामले और 812 मौतें हुई थी इससे। COVID-19 नामक बीमारी का प्रकोप नोवल कोरोना वायरस का परिणाम है, जिसे अब SARS कोविड 2 का नाम दिया जा रहा है, जो दुनिया के कई हिस्सों में अत्यंत तीव्रता से प्रसारित हुआ। अब तक मिले प्रतिवेदनों के अनुसार यह ज्ञात हुआ कि COVID-19 प्रतिरक्षा प्रणाली को ओवर एस्टीम कर सकता है, तथा कुछ अन्य रोगियों में डॉक्टरों ने अपने मरीजों के पैर की उंगलियों पर सूजन देखी है। आप लोग एक ध्यान दे सकते हैं, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं यानी कि 19 मई को आपके कितने केस हो गए, 1 लाख प्लस पहुंच चुके हैं। समझ में आया, भारत की बात कर रहा हूं, केवल 3,000 प्लस आपकी मौत हो चुकी है। तो आपको लगता है लॉकडाउन सफल हुआ पूरी तरह से? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं आप लोग सफल हुआ, लेकिन और भी सोचिए आपकी, जब आपके पास 200 केस हुए, फिर 400 केस हुए, 500 केस, इसी तरह 1,000 बढ़ते गए। अगर जिस दिन से लॉकडाउन लागू हुआ था उस दिन से थम जाने चाहिए थे ना केस हमारे यहाँ, क्योंकि सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। तो एक कहिए हमारी कुछ गलतियां रही हैं कि हम लॉकडाउन सफल नहीं बना पाए। लॉकडाउन का तो मतलब यही है कि बिल्कुल पूरी तरह से रुक जाना चाहिए, जिस तरह से पूरी जनता, हर आदमी रुक गया, हर जहां जो फंसा रह गया वहीं फंसा रह गया। तो मुझे लगता है पूरी तरह से ये सफल नहीं हो पाया, बहुत हद तक असफल रहा है। शरीर के विभिन्न भाग पर COVID-19 के प्रभाव क्या क्या है, आपके शरीर पर किस प्रकार के प्रभाव देखे जाते हैं कोरोना वायरस के, उसे देख लेते हैं। साइटोकिन स्टॉर्म सिंड्रोम CSS, यह सर्वविदित है कि जहां सभी आयु वर्ग के लोग इस बीमारी के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, वही 60 वर्ष से अधिक आयु के और सहरोगता वाले लोग विशेष रूप से इसके प्रति संवेदनशील होते हैं। यहाँ तक कि किशोरों सहित कुछ युवाओं की बीमारी के कारण भी आत्महत्या करने की खबर आई है। इसमें क्या रहता है कि आपने देखा होगा एड्स की तरह लोग नफरत किससे देखने लगते हैं, अगर किसी में COVID-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो उससे नफरत की तरह देखने लगते हैं, जैसे वो कुछ उसमें नफरत भर गई हो, आपने देखा होगा कई जगह। तो ये तो
पता नहीं कैसी सोच है, मतलब अपनी सोची की। अब उसकी गलती तो नहीं है उसमें कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है, हो गया जैसे तैसे, लेकिन उसे एक अजर अलग नजरिए से देखा जाने लगता है, हीन भावना से। ठीक। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, लॉकडाउन का मतलब उसी तरह आपको याद होना चाहिए कि हमारे गांव में कोई शेर आ जाता है। अब हम गांव वालों को क्या सलाह देंगे कि कुछ दिन आप लोग घर में बंद रहिए, इसका ठिकाने जब तक इसको शेर को ठिकाने नहीं लगा दिए जाते हैं, यानी कि या तो मार नहीं दिया जाता है या उसे हटा नहीं दिया जाता है। लेकिन क्या हुआ है, आप भी तो जान रहे हैं कि ना तो उस शेर को हटाया गया ना ही उसका कोई प्रबंधन किया गया, फिर से वही छोड़ने पे आ गए, क्योंकि अब तो देख रहे हैं ना आपकी छूट मिलने लगी, तो कहाँ कुछ। आज आपके सबसे ज्यादा केस बढ़े हुए हैं, तो बढ़ ही तो रहे हैं, कम कहाँ हो रहे हैं, आप ही सोचिए। इससे पहले अप्रैल में शोध ने सुझाव दिया था कि कुछ रोगियों में रोग साइटोकिन स्टॉर्म के रूप में जाना जा रहा सकता है। इस तरह के स्टॉर्म की विशेषता प्रतिरक्षा कोशिकाओं स्वयं साइटोकिन्स की अति प्रभाव से होती है, जो हानिकारक हो सकती है, क्योंकि प्रतिरक्षा कोशिकाओं की अधिकता स्वस्थ ऊतक को नुकसान पहुंचा सकती है। आदर्श रूप से एक बार रोगजनक द्वारा शरीर को संक्रमित करने के बाद प्रतिरक्षा प्रणाली को ट्रिगर किया जाता है, प्रतिरक्षा कोशिकाएं संक्रमण या फिर चोट के स्थान पर पहुंचेंगी, मरम्मत शुरू कर देंगे। लेकिन CSS के मामले में प्रतिरक्षा कोशिकाओं की अधिकता स्वस्थ ऊतक को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। CSS को 1918-20 में कि स्पेनिश फ्लू दोनों में मृत्यु दर के एक प्रमुख कारणों के रूप में देखा जाता है, जिसने दुनिया भर में 50 मिलियन से अधिक लोगों को मार डाला। और हाल के वर्षों में H1N1 स्वाइन फ्लू और H5N1 वर्ड फ्लू का प्रकोप, यदि CSS की नैदानिक विशेषताओं को समय पर नहीं पहचाना जाता तो सिंड्रोम कई अंग विफलता, सेप्सिस तथा यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। आगे बात करते हैं कोविड का पैर की उंगली पर प्रभाव। तथाकथित कोविड पैर की उंगली के कुछ मामले इस महीने की शुरुआत में स्पेन और अमेरिका से रिपोर्ट किए गए थे। त्वचा की स्थिति को पैर की उंगलियों के बैगनी, नीले या फिर लाल मलिनीकरण और कभी कभी उंगलियों द्वारा भी चित्रित किया जाता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी IJJD में एक अध्ययन में इस स्थिति के रूप में वर्णित किया है। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि इस त्वचा की स्थिति COVID-19 के बीच सीधा संबंध है या फिर नहीं। ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में प्रकाशित एक रिपोर्ट में 375 रोगियों में अस्पष्टीकृत त्वचा की अभी भी व्यक्तियों के बारे में एक अध्ययन का उल्लेख किया गया था, जिसमें COVID-19 रोगियों की पुष्टि की गई थी। अध्ययन में वर्णित त्वचा की स्थिति में कि 5 पैटर्न में से शोधकर्ताओं ने उनमें से 71 यानी कि 19% पैर की उंगली पर प्रभाव देखा गया। इन 71 में से 29 SARS-CoV-2 से संक्रमित थे। पर बात करते हैं बच्चों में मल्टी सिस्टम सूजन। बच्चों ने COVID-19 से संक्रमित लोगों का एक बहुत छोटा उपसमूह बनाया। सिचुआन प्रांत की साउथ वेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड डिफेक्टिस क्लिनिकल रिसर्च सेंटर के शोधकर्ताओं द्वारा 31 मार्च 2020 को प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया कि वायरस से संक्रमित बच्चों में वयस्क के मुकाबले तेजी से रिकवरी होती। हालांकि पिछले महीने के अंत में यूके के बाल चिकित्सा गहन देखभाल सोसाइटी PICS ने कहा कि इसमें मल्टी सिस्टम सूजन के साथ सभी उम्र के बच्चों की संख्या में वृद्धि देखी है। यह दुर्लभ बीमारी रक्त वाहिकाओं की सूजन का कारण बनती है, जिससे निम्न रक्तचाप होता है। यह पूरे शरीर को प्रभावित करता है, क्योंकि यह फेफड़ों और अन्य अंगों में तरल पदार्थों का निर्माण करता है और स्थिति कावासाकी रोग के समान होती है।
जो रक्त वाहिकाओं की एक तीव्र सूजन वाली बीमारी है और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को होती है। न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन, JAMA न्यूरोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित एक पेपर में शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि वुहान में अध्ययन किए गए अस्पताल में भर्ती COVID-19 रोगियों के उल्लेखनीय अनुपात में न्यूरोलॉजिकल लक्षण देखे गए थे। इसके अलावा द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख में कहा गया है कि कुछ इस विशेषज्ञों ने आपके जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली और हॉलैंड में COVID-19 रोगियों में न्यूरोलॉजिकल लक्षण देखे थे। JAMA न्यूरोलॉजी अध्ययन द्वारा रिपोर्ट किए गए कुछ न्यूरोलॉजिकल अभिव्यक्तियों ने में चक्कर आना, सरदर्द, बिगड़ा हुआ चेतना, तीव्र मस्तिष्क संबंधी रोग, शरीर के आंदोलन के पूर्ण नियंत्रण की हानि, बरामदगी और परिधीय तंत्रिका तंत्र में कुछ अभिव्यक्तियां शामिल हैं जो स्वाद की भावना में हानि होती है। फिर आपकी आंख की असमानताएं, हाल ही में रेडियोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि 412 COVID-19 रोगियों में से एक एकल स्वास्थ्य सुविधा में भर्ती हुए आंत असमानताओं को 31% से टी स्कैन में देखा गया, जो 3.2% रोगियों के लिए लिया गया और इस तरह की असमानताएं थी। इस तरह की असमानताओं का कारण और अगर वे सीधे COVID-19 से संबंधित हैं यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। आंत निष्कर्षों के स्पेक्ट्रम के लिए कुछ संभावित स्पष्टीकरणों में प्रत्यक्ष वायरल संक्रमण शामिल है। आगे की राय क्या हो सकती है इसमें? COVID-19 का बदलता लक्षण ही इसके वैक्सीन के निर्माण न होने का कारण का मुख्य कारण है। यह न केवल भारत वरन संपूर्ण विश्व हेतु चिंता का विषय है, परंतु संपूर्ण विश्व इस पर प्रयासरत है जो जल्द ही एक ठोस परिणाम की ओर अग्रसर करेगा। HIV में भी ऐसा ही होता है एड्स में कि जब आपके अंदर प्रवेश करता है वायरस तो उसका कोई अन्य रूप होता है। जब आपकी उसे ही नजर में रखकर कोई वैक्सीन बनाई जाती है तो वो अपना रूप बदल लेता है, यानी कि बदलता रहता है। तो उसे जैसे हम लोग मान लीजिए कि आपने आपको पता था कि पाकिस्तानी हमला करते हैं, यानी कि धरती से ही मतलब अपने बॉर्डर से ही आएंगे, तो आप लोगों ने वहाँ नौसेना यानी कि आपने थल सेना वहाँ लागू कर दी। फिर आपको पता चला कि ये वायु हवाई जहाजों से यानी कि हवाई उड़ानों से हमला करेंगे, तो आपने एक वायुसेना गठन कर ली। ठीक है, अलग अलग करना पड़ रहा है। अगर हम सोचते कि थल सेना ही सब कुछ काम कर लेगी तो नहीं हो सकता था। फिर हमें मालूम चला कि ये जल की तरफ से यानी कि समुद्रों की तरफ से हमला करती है, घुसते हैं, तो हम लोगों ने इसके लिए नौसेना भी गठित कर ली। लेकिन इसमें क्या होता है, एड्स हो या COVID-19, जब हम वैक्सीन बनाते हैं एक लक्षण को देखते हुए इसके, तो वो क्या करता है कि उस लक्षण को बदल देता है, अपना रोग बदल लेता है और वो वैक्सीन आपकी फेल हो जाती है। ठीक, तो ये थी आपकी शरीर पर जो COVID-19 के प्रभाव पड़ते हैं उसी से संबंधित आर्टिकल। ठीक।